हरदोई के कांशीराम से एक सफाई को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां लोग दूषित पानी पीकर अपने आप को बीमार कर रहे हैं। जी हां, यह मामला कांशीराम कॉलोनी का है, जहां पानी की टंकी से आ रहे दूषित पानी से बीमारियां फैल रही हैं और जिम्मेदार लोग इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कांशीराम कॉलोनी में तो अव्यवस्थाएं फैली हुई है, वहां के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है। कांशीराम कॉलोनी में बनी पानी की टंकी में पानी के साथ कीड़े निकल रहे हैं। पानी की टंकी साफ ना होने के कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त है। एक वर्ष पूरा कांशीराम कॉलोनी में पानी की टंकी से हो रही सप्लाई का पानी पीने से एक सैकड़े से अधिक लोग बीमार हो गए थे और कई लोगों की बीमारी से जान चली गई थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था और आनन फानन में उसकी सफाई करवाई गई थी। कांशीराम कॉलोनी में टंकी से पानी लोग भरते समय कीड़े निकले, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। कॉलोनी निवासियों ने बताया कि टंकी की एक वर्ष पूरा सफाई की गई थी, जिसके बाद से इसकी सफाई ना होने से कीड़े पड़ गए हैं। टंकी के पानी को पीने से कॉलोनी के डेढ़ दर्जन से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। लोगों का कहना है कि जिससे पानी पिया और कीड़े पता चले, उसे उल्टी आना शुरू हो गई। इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्रा मधुर ने बताया कि कुछ समय पूर्व कांशीराम कॉलोनी की पानी की टंकी की सफाई की गई थी। टंकी में कीड़े निकल रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है। मामले की जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी और सफाई करवाई जाएगी। अरे बहुत गंदा, सुबह सुबह पानी पीला ऐसा आता है और वही पीने के लिए हम लोग मजबूर हैं, क्या करेंगे, कहाँ से पानी लिया जाए, दूर दूर है। क्या नाम है आपका? अहमद अंसारी। पानी गंदा आता है, एक साल तक कॉलोनी साफ नहीं हुई, खाना टंकी साफ नहीं हुई। क्या आप लोग यही पानी पीते हैं, क्या करते हैं? यही पानी पीते हैं हम लोग। नलता दूर पत्ता नलवे भी गिरे पड़े, कोई उनमें जानकारी नहीं है, बनाने वाला कोई नहीं है उसमें। क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं आप? कांशीराम कॉलोनी रेसू मेरा नाम है। पाइप लाइन में गंदा पानी आ रहा है, इसे और इससे बीमारी फैलेंगी, और यहाँ सफाई भी नहीं होती है, इतनी काला काला पानी आ रहा है, वही हम लोग पी के बीमार पड़ेंगे। क्या नाम है आपका और कहाँ रहती हैं आप? कांशीराम कॉलोनी। पानी की टंकी अभी थोड़े दिन पहले साफ कराई गई थी, और उसके बावजूद भी अगर आपके द्वारा ये हमको जानकारी प्राप्त हुई है तो हम तत्काल वहाँ पर अपना स्टाफ भेज करके दिखवाएंगे। वहाँ पर हमको ये भी जानकारी आपके माध्यम से ही हुई कि वहाँ पर कुछ सर्विस लाइन टूटी हुई है, उसको दिखवाएंगे और अगर इस तरीके की कोई शिकायत है उसको दूर किया जाए। दीप उत्सव दीपावली के पावन अवसर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जिले और प्रदेशवासियों को हृदय पूर्वक शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। ये दीपावली हर वर्ग के लिए, छोटे गरीब और अमीर के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, आर्थिक रूप से सभी सुदृढ़ हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंजाबी सभा नीलोखेड़ी की ओर से, श्री सनातन धर्म मंदिर सभा नीलनगर की ओर से, एल ललिता शास्त्री सनातन धर्म शिक्षा समिति की ओर से व उन तमाम संस्थाओं की ओर से जिनसे मैं वाबस्ता हूँ, उन सब की ओर से भी दीपावली की आपको और आपके परिवार को और प्रदेश की जनता को हृदयपूर्वक पुनः मुबारकबाद शुभकामनाएं। पंजाबी सभा नीलोखेड़ी के महासचिव तथा सनातन धर्म सभा के शिवनाथ कपूर की ओर से सभी प्रदेशवासी तथा नीलोखेड़ी की जनता को धनतेरस, शुभ दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। पंजाबी सभा नीलोखेड़ी के महासचिव तथा सनातन धर्म सभा के शिवनाथ कपूर कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेशवासियों और नीलोखेड़ी की जनता को एक बार फिर से पंजाबी सभा नीलोखेड़ी के महासचिव तथा सनातन धर्म सभा के शिवनाथ कपूर की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।